हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे हैं। तो बात करते हैं जहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। पहले अगर 5 मैच की बात करेंगे तो सभी मैच काफ़ी रोमांचक और काफ़ी टक्कर के हुए हैं। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 8वें मैच की जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच में। इन दोनों की जब जब भिड़ंत होती है तो मैदान में आग लग जाती है। यह मैच 27 मार्च को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके वेदर पर देखते हैं जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 43% रहेगा और टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करेंगे इनके विनिंग परसेंटेज जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 38% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 61% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 159 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 147 है। तो यहाँ अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 21 मैच खेले गए जिसमें से मुंबई 12 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर हैदराबाद 9 मैच जीत के आ रही है। अगर बात करते हैं पहली टीम यानी मुंबई इंडियंस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं जहां टीम के लिए इस बार भी वही हुआ जो पिछले 11 साल से लगातार हो रहा है, टीम अपना पहला मैच हार गई। टीम ने इस बार भी हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया। वहीं अगर ओपनिंग में बात करेंगे जहां पे ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा उतर रहे हैं, ईशान पहले गेम में 0 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं रोहित शर्मा ने 43 रन बनाए। वहीं नंबर 3 पर बात करेंगे जहां पे नमन धीर को मौका मिला था, वहीं मिडिल ऑर्डर में जहां पे तिलक वर्मा, टीम डेविड एंड दीवार ब्रेवी जो कि असली ताकत है टीम की। वहीं अगर सूर्य कुमार यादव पूरी तरह फिट नहीं हुए तो इसको लेकर उनके खेलने पर सस्पेंस है। फिनिशिंग टच के लिए कैप्टन हार्दिक पांड्या और उमारियो सेफरेट जो कि शामिल है। वहीं पर निहाल वदेरा एंड मोहम्मद नबी को पहले गेम में चांस नहीं मिला था। अब बात करते हैं बॉलिंग में, तो टोटल 7 बॉलिंग ऑप्शन है टीम के पास। तो बॉलिंग की टीम में जहाँ पे जसप्रीत बुमराह लीड कर रहे हैं, उन्होंने लास्ट गेम में सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए थे। वहीं पे साउथ अफ्रीका के पेसर जियाल कोजी जो कि 2 विकेट लिए थे, जहाँ पे लुक वुड ने पहले गेम में इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए थे। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पे एक्सपीरियंस पीयूष चावला, पांड्या भी विकेट लेस थे। अब बात करते हैं मुंबई का प्लेइंग 11 देखते हैं जहाँ पे रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा, नमन धीर, टीम डेविड, दीवाल ब्रेविस, हार्दिक पांड्या, पीयूष चावला, जियाल कोजी, जसप्रीत बुमराह, लुक वुड। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जहां पे रोहित शर्मा है, दीवार ब्रेविस और जसप्रीत बुमराह। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी हैदराबाद का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं जहां टीम ने इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरेन प्लेयर टीम को ऐड किया गया। टीम ने पहले मैच में दिखा दिया कि टीम को कम ना समझना, टीम पहले गेम में महज 4 रन से हार गई लेकिन क्लासन की इनिंग ने सबका दिल जीत लिया। अपने होम ग्राउंड में जहां पे टीम का पहला मैच है, आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे प्लेयर पैट कमिंस को भी अपना कप्तान बनाया गया। वहीं अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल टीम के लिए ओपन किया था, दोनों ने 32-32 रन बनाए थे। नंबर 3 पर बात करेंगे जो कि राहुल त्रिपाठी है। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में जहां पर एडम मक्राम है, नहीं क्लासन के टीम के लिए प्लस पॉइंट है। क्लासन ने लास्ट गेम में जबरदस्त बैटिंग करते हुए 3 रन बनाए थे। वहीं पर वाशिंगटन सुंदर को पहले मैच में जहां पे चांस नहीं मिला था। बॉलिंग में बात करेंगे जहां पे भुवनेश्वर कुमार पहले गेम में या लाइन नहीं दिखे थे, उन्होंने मात्र 51 रन ही दिए थे। पैट कमिंस को 1 विकेट मिला था, जहां पे मार्को जॉनसन पहले गेम में विकेट लेस थे, जहां पे टी नटराजन पेस स्टैक में सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए, स्पिन बॉलिंग में जहां पे मारकंडे हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद का प्लेइंग 11 देखते हैं जहां पे मयंक अग्रवाल है, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, एडम मक्राम, हेनरी क्लासन, अब्दुल समद, मार्को जॉनसन, मयंक मारकंडे, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंग्स और टी नटराजन। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि मयंक अग्रवाल, हेनरी क्लासन और टी नटराजन। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। अगर प्रिडिक्शन और कंक्लूजन के भी पहले बात किया जाए तो यहाँ पे दोनों टीम न्यू कैप्टन के साथ आई है। जहाँ पे स्क्वाड को देखो तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा पीछे है, मुंबई के पास एक मजबूत स्क्वाड है और टीम के स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी को देखते हुए आज का मैच बनाना यहाँ पे मुंबई इंडियंस होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।